ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट स्टेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ। दरख्वास्त गुजार का मौकफ सामने आया था। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ हैं, जिन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। उन्होंने अदालत से कहा कि तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार का मौकफ सामने आया कि तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेना चाहता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस को खारिज कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे, नुमाइंदा न्यूज़ वन अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा क्या मौकफ अपनाया गया है। देखिए जी, सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ अपने वकील के हमरा पेश हुए। दरख्वास्त दायर करते हुए मौकफ अपनाया कि केस की समाअत 25 नवंबर को मुकर्रर है। तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेना चाहता हूँ। इस्तदा है कि दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए और केस वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के बयान के बाद इस्तदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमरीन अली।